नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोल लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरसीबी का मालिक कौन है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं फिर तो आपको क्रिकेट से जुड़ी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी खबरों की जानकारी होगी, लेकिन अगर आप क्रिकेट फैन नहीं हैं या फिर आप क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो आपको आईपीएल और उसमें खेले जाने वाले टीमों के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं होगी। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिन्हें क्रिकेट कुछ खास पसंद नहीं है या इस विषय में कुछ खास जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जानकारी को कुछ हद तक जरूर बढ़ा सकते हैं। आरसीबी आईपीएल में खेल रही कुछ बदकिस्मत टीमों में से एक है जिसने आईपीएल के इतिहास में एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। ऐसा नहीं है कि इस टीम में बुरे खिलाड़ी हैं या ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें खेलना नहीं आता। आरसीबी की टीम में कई सारे क्रिकेट में माहिर खिलाड़ी हैं। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी आईपीएल लीग में आरसीबी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। विराट के साथ इस टीम में और भी कई सारे महंगे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आईपीएल लीग में खेलने वाली टीम आरसीबी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। आरसीबी आईपीएल लीग में बैंगलोर शहर के तरफ से खेलती है। साउथ इंडियन बैंगलोर में स्थित टीम अपने खेल से आईपीएल के मेंबर्स को हैरान कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कर्नाटक में स्थित बैंगलोर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है जो कि खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेलती है। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मालिक यूनाइटेड स्पिरिट है। जब आरसीबी टीम की स्थापना हुई थी तब से 2008 तक विजय माल्या ही आरसीबी के मालिक थे, लेकिन हाल ही में इस टीम का मालिकाना अधिकार विजय माल्या के जगह यूनाइटेड स्पिरिट को मिला है जिसके वर्तमान सीईओ आनंद कृपालू जी हैं। इस टीम के शुरुआती दौर में विजय माल्या आरसीबी को चला रहे थे और इस टीम के मालिक भी थे। इतना ही नहीं, विजय माल्या भारत के जाने माने अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपतियों में से एक है, लेकिन विजय माल्या के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से वे भारत छोड़कर विदेश जाकर बस गए। हमारे देश के न्यूज मीडिया के शब्दों में कहें तो कर्ज के कारण आरसीबी को छोड़कर विदेश भाग गए। यही वो वजह है जिसके कारण आरसीबी का मालिकाना अधिकार यूनाइटेड स्पिरिट के पास चला गया। यूनाइटेड स्पिरिट दुनिया के बड़े व जाने माने कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के ब्रांड दुनिया भर में छाए हुए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी के अधिकतर सभी बिजनेस फूड ड्रिंक तथा तंबाकू के ही हैं। यूनाइटेड स्पिरिट के निर्देशन में 2017 में इनका पूरा टर्नओवर 4.9 बिलियन रहा था। जैसे कि हमने आपको बताया कि आरसीबी कर्नाटक में स्थित बैंगलोर टीम को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही इस टीम का होम प्लेग्राउंड का नाम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इंडिया की एक फ्रेंचाइजी है। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।